नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये संवसाहु मंगलम भगवानि वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रदानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम् जयं जयतु शासनम् नमि ऊणजिनं वीरम् अनन्तवर्णाणदंसनसहावं वोच्छामिण्यं सारं केवलीशुद्धकेवली गणितम्। आचार्य कुंद देव के द्वारा निज भावना के निमित्त रचे गए महान परमागम नियम सार जी का परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार हमारी इस अध्याय में चल रहा है। पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन भी अपन लोग इस पे नियमित सुन रहे हैं। विषय बहुत अच्छा है, बहुत गंभीर है और अपनी अनंत काल की अनंत समस्याओं का एकमात्र समाधान करने वाला है। सबसे बड़ी समस्या क्या है अपनी, कि हम कर्ता बुद्धि के अज्ञान में डूबे हुए हैं। आ गया नहीं आ गया? चर्चा कितनी भी सुन लें, सुनने के बाद फिर कहते हैं वो ठीक बात है, लेकिन देखो भाई क्रमबद्ध पर्याय की बात आती है ना, कि वो ठीक है, होता तो वही है जो होना होता है। पर्याय के क्रम को तो भगवान भी नहीं बदल सकते, लेकिन भाई साहब इस क्रमबद्ध पर्याय के भरोसे पुरुषार्थ थोड़ी छोड़ सकते हैं। ऐसे अनेक अनेक प्रकार के द्वंद्व हमारे मस्तिष्क में चलते रहते हैं। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर चर्चा अभी आप लोगों ने सुनी थी सम्यक दृष्टि की। उन्हें कैसा फौलादी होता है वो सम्यक दृष्टि, वस्तु स्वरूप का कैसा बल। और ये तो जो परमार्थ प्रतिक्रमण का विषय है, ये तो उस सम्यक दर्शन से भी आगे की भूमिका है। ख्याल में आ गया नहीं आ गया? तो आप सोचो कि जब एक सम्यक दर्शन की भूमिका में ऐसा फौलादी हो जाता हो, समझ में आया कि नहीं आया? तो जिसके परिणति में वीतरागी चारित्र परिणमन कर रहा हो, उस ज्ञानी धर्मात्मा की, उन संतों की अद्भुत दशा कैसी होती होगी। ये तो अपन लोग जब 31 तारीख को आचार्य कुंद देव की तपोभूमि का स्पर्श करेंगे और वहां पर जब अपन उन दृश्यों को देखेंगे, तब अपने को पता लगेगा। 2-3 बार आने का यहां मौका लगा पहले भी, वास्तव में लगता है कि क्या है ये। इन निर्जनों में रहकर अपने से बोला जाए अभी कि भाई साहब आपको हम एक जगह 5 मिनट आपको शांत बैठना है, ना कुछ सोचना है, ना कुछ बोलना है, ना कुछ नहीं। लेकिन गलती से घड़ी साथ में चली गई, समझ में आ गया? तो फिर हुआ क्या कि वो 5 मिनट अपने को कितने भारी पड़ेंगे ये आप सोच लेना। और ये वीतरागी संत कैसे कैसे पहाड़ों पर जाकर के, कोई पहाड़ों पर जाने से आत्मा के कर्म खिरते हो ऐसी कुछ नहीं है बात, क्योंकि कर्म पहाड़ों में नहीं रखे आत्मा के। मैंने वो ऐसे निर्जनों में जाकर कि जिनकी अपन बोलते हैं ना कि करते तपसेल नदी तट पर तरतल वर्षा की झड़ियों में, तो अपने को ऐसा लगता है जैसे शरीर को कष्ट देने से आत्मा में कर्म खिरते होंगे। ऐसा नहीं है, सच में वे वीतरागी संत इस दो पैर वाले आदमी से बचना चाहते हैं। हाँ सच्चाई है। समय शेखर की चोटियां देख लो, ऐसा घटना बनी है गुरुदेव श्री का जब देह परिवर्तन हुआ था और उसके बाद एक सिद्ध चक्र विधान का आयोजन हुआ था। अशोक जी भाई सब आपको पता होगा, सिद्ध चक्र विधान का आयोजन में हमारे यहाँ के फेडरेशन पूरा गया था वहां व्यवस्था देखने के लिए सोनगढ़ में। उस समय हमारा एग्जाम चल रहा था तो मैं नहीं जा पाया था। तो आते ही लोगों ने मेरे से एक बात पूछी, वो गिरनार जी की यात्रा करके आए थे। वो कहती मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा बोलो। ये भगवान नेमीनाथ को ऐसी क्या सूझी कि इतनी ऊंची जाकर के उन्होंने तप किया, नीचे कर लेते तो क्या तकलीफ थी उनको। बात तो आप बिल्कुल पते की कह रहे हो, लेकिन मुझे ये कि आप ये कह रहे हो ना कि इतने ऊंचे जाकर के इतनी वो कौन सी टोंक पे तप किया उन्होंने, केवल ज्ञान प्राप्त किया। तो भाई साहब चढ़ते चढ़ते हमारा पसीना बह गया, नीचे कर लेते आत्मा का ध्यान तो केवल ज्ञान तो यहां भी हो जाता, हमें इतना ऊंचा तो नहीं चढ़ना पड़ता। मैंने कहा तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर छुपा हुआ है कि नेमीनाथ तुमसे ही बचना चाहते थे कि ये जितने दो पैर वाला, अरे एक चार पैर वाला आदमी, चार पैर वाला जानवर आएगा, हो सकता है शरीर को भक्षण कर जाए लेकिन उपयोग नहीं खाएगा। और ये दो पैर वाला क्या करेगा कि शरीर को तो खूब माल खिलाएगा लेकिन साथ में उपयोग भी खाएगा। उपयोग बच जाए, शरीर चला जाए, ज्ञानी को ये बहुत सस्ता सौदा लगता है। इसलिए हमारे मुनिराज ऐसे निर्जनों में जाकर के रहते हैं और निर्जनों में रहने का और कोई कारण नहीं है। तो निर्जनों में रह करके अपन लोगों के महाभाग्य से ऐसे परमागमों की रचना हो गई। गुरुदेव श्री तो बोलते थे कि अरे समय सार आदि परमागम रच गए ये तो ठीक, लेकिन 2000 वर्ष के आंधी तूफानों में टीका के साथ पूरे पूरे बच गए और आज हमें उपलब्ध है। नहीं तो भाई साहब वो जमाना था 6-6 महीने तक जैन शास्त्रों की होलियां जली है। आ गया आज अपन जिस युग में बैठे हैं ना, कभी अपने को शास्त्र चाहिए सीधा इधर दिखता है, मोबाइल पे दिखता है। जिस युग में अपन बैठे हैं, सुबह किसने कहा था, ताड़पत्र की शायद मनीष जी ने कहा था कि ताड़पत्र पर गोद गोद करके कैसे कैसे अक्षर लिखे होंगे। आप जरा कल्पना तो करो कि किस मूल्य पर अपने को ये जिनवाणी मिली है। समझ में आ गया, आचार्य भगवान का कोई लाभ नहीं हुआ हमको जिनवाणी लिख के देने में, नहीं हुआ, सच कह रहा हूं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 7वें गुणस्थान का शुद्धोपयोग छोड़ करके 6ठे गुणस्थान की आग में आना पड़ा उनको। 7वें गुणस्थान से 6ठे गुणस्थान में आएगा नहीं। अरे मुनिराज तो शुद्धोपयोग में आते हैं तो शुद्धोपयोग का अभाव करके आते हैं, हालांकि शुद्ध परिणति रहती है लेकिन 7वें से 6ठे में आते हैं। हम आए हैं ना यहां सुनने, तो हम कोई बहुत बड़ा काम छोड़ के नहीं आए हैं, हम पाप के धंधे छोड़ करके आए हैं। कौन से धंधे छोड़ के आए बताओ जरा, कि पाप के धंधे छोड़ के आए। तो हमारा तो फायदा हुआ कि पाप से बचे, लेकिन मुनिराज से पूछोगा आपका क्या हुआ, वो कहते उनका नुकसान हुआ। 7वें से 6ठे में आए लेकिन फिर भी जगत के जीवों के प्रति करुणा का विकल्प आया और सच में उन्होंने अपने उस विकल्प का मतलब उस विकल्प की उन्होंने पूर्ति की है। करुणा की व्याख्या की 85 गाय में, करुणा की क्या व्याख्या की है कि दूसरे जीव को दुख से दुखी देख करके अपने में जो संताप होता है, अपने में जो पीड़ा होती है, वास्तव में वो करुणा है। आचार्य देव को ये करुणा आई और ये परमागम लिखा गया। देखो समय सार और नियम सार, नियम सार है ना कि वो ब्राह्मण का लड्डू है और समय सार वो जनता का लड्डू है। आया समझ में, कुछ नहीं आया समझो कि हमारे यहाँ मेवाड़ में ऐसा होता है, राजस्थान में तो ब्राह्मण लोग होते हैं ना, तो ब्राह्मण लोग जब कच्ची रसोई बनाते हैं, श्यामलाल जी साहब लड्डू बाटी चूरमा खाने वाला सूरमा, हाँ तो वो बनाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो ब्राह्मण ये कहता है कि देखो जी आप हमारे चौके में नहीं आओगे, हमारा चौका गंदा मतलब वो अपवित्र हो जाए, आप नहीं आओगे, हम आपको परोसेंगे, आप आपके लिए हम बना के रखेंगे लेकिन हमारे चौके में आप नहीं आओगे, क्योंकि इसको कच्चा भोजन बोला जाता है। तो मैंने कहा है क्या चक्कर ये? तो आपको पता है कि वो ब्राह्मण जो जनता के लिए जो भोजन बनता है उसमें 1 किलो चूरमा में 1 किलो घी होता है, और जो ब्राह्मण का भोजन बनता है उससे अपने लिए जो भोजन निकालता है तो 1 किलो चूरमा में 4 किलो घी होता है। समझ में आएगा कि नहीं आ गया कि ये नियम सार 1 किलो चूरमा में 4 किलो घी वाला ग्रंथ है तो ब्राह्मण के चौके का माल, लेकिन अपने हाथ में आ गया है किसी भी तरह, तो अपन इसका आनंद ले रहे हैं, बस ये समझ लो। मेरा कहने का मतलब ये कि समय सार की गंभीरता अभी आपने देखी। जब समय सार अप्रतिबुद्ध जीवों के लिए लिखा गया वो इतना गंभीर शास्त्र है, तो नियम सार तो क्या होगा आप हम इसकी कल्पना ही कर सकते हैं। चर्चा कहां चल रही थी कि चर्चा अपनी ये आ गई थी 14 प्रकार के गुणस्थान, 14 प्रकार के मार्गना स्थान और 14 प्रकार के जीव स्थान। आगे बात समझ में देखो, एक बात और समझो कि ये नियम सार में तो इन चीजों का निषेध किया जा रहा है कि ये मैं नहीं हूं। आया क्या कहा कि 14 भेद वाले मार्गना स्थान, उतने यानी 14 भेद वाले जीव स्थान और गुण स्थान, शुद्ध निश्चय नय से परम भाव स्वभाव वाले को, अर्थात तो परम भाव जिसका स्वभाव है ऐसे मुझे आचार्य देव कहते हैं नहीं है। बहुत सामान्य बात नहीं है ये। 14 भेद वाले मार्गना स्थान में वो सारी चीजें आ जाती है कि सिद्धांत ग्रंथ जहां आत्मा को खोज करने की बात करते हैं, है ना। जीव स्थान में जीव के सारे भेद प्रभेद आ जाते हैं, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्री, संगी असंगी, बादर सूक्ष्म स्थूल जो भी है। और गुणस्थान में कौन कौन से भेद आते भाई साहब? मिथ्यादर्शन से लेकर, पहला गुणस्थान कौन सा है कि पहला गुणस्थान मिथ्यादर्शन है, और 14वां गुणस्थान अयोग केवली जिन है। मिथ्यादर्शन माने जीव के भाव कलंक की प्रचुरता की दशा का नाम मिथ्यादर्शन है। समझ में आ गया? मिथ्यादर्शन किसका नाम है? भाव कलंक की प्रचुरता, इसको बोलते हैं मिथ्यादर्शन। और अयोग केवली जिन और सहयोग केवली जिन के एक जीव के विकास की चरम स्थिति के खाली अभी सिद्धालय बाकी है, बस इतना विकास जीव की पर्याय में हुआ। अवस्था की दृष्टि से भाव कलंक की प्रचुरता हो और अवस्था की दृष्टि से जीव के पर्याय में विकास की वो चरम स्थिति हो, कहते हैं दोनों की दोनों स्थितियां मुझ में नहीं है। मैं कैसा हूं कि जिस समय अवस्था में तीव्रतम मिथ्यात्व की परिणति चल रही हो उस समय भी मैं परम स्वभाव हूं, और जिस समय विकास हो गया पर्याय में अवस्था में निर्मलता का विकास हो गया, ज्ञान का विकास हो गया, चारित्र का विकास हो गया, सबका विकास हो गया, कि वो विकास होने की दशा के काल में भी मैं तो उतना का उतना हूं जितना मिथ्यात्व की दशा के काल में था। सोचो जरा, एक 26 नंबर की गाथा नियम सार की आई है। आपने अगर 26 नंबर की गाथा, इसी संदर्भ में मैं आपको बताता हूं, 26 नंबर की गाथा बहुत गजब की बात करी है। चर्चा चली है परमाणु की। देखो भैया, बहुत अद्भुत चर्चा है ये नियम सार, वास्तव में आप पढ़ोगे ना तो आपको मजा आएगा। चर्चा चली है परमाणु की। आचार्य भगवान को क्या बताना है? आचार्य भगवान को यह बताना है कि परमाणु कभी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। बात तो बहुत सीधी सी है कि परमाणु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, लेकिन उस बात को सिद्ध करने के लिए टीकाकार पद्मप्रभमलधारी देव ने जो दृष्टांत दिया वो गजब का दिया है, और उससे जो अभी अपन बात कर रहे हैं वो बात की आचार्य के आगम प्रमाण से पुष्टि होती है। देखो देखो क्या कहा यहां पे, 26 नंबर की गाथा नियम सार की मिल गई, बहुत बढ़िया। देखो टीका देखो इसकी, यहां परमाणु का विशेष कथन है। किसका कथन है? परमाणु का। अब देखना कितनी गजब की बात कही कि जिस प्रकार सहज परम पारणामिक भाव की विवक्षा का आश्रय करने वाले सहज निश्चय नय की अपेक्षा से, शब्द भी कितने चुन चुन करके लाते हैं पद्मप्रभमलधारी देव। क्या कह रहे हैं? सहज परम पारिणामिक भाव की विवक्षा, माने ये जो बात हम कह रहे हैं ये बात उस सहज परम पारिणामिक भाव की अपेक्षा से ये बात हम कह रहे हैं। कैसा है? सहज परम पारिणामिक भाव। परम पारिणामिक भाव का मतलब समझ ही गए आप कि एक रूप जो द्रव्य स्वभाव है, अनादि अनंत नित्य शुद्ध द्रव्य स्वभाव है। नियम सार में जिसे कहा कारण परमात्मा, वही वास्तव में आत्मा है। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? है ना, जिसको अंत तत्व कहा, जिसको कारण शुद्ध जीव कहा, जिसको कारण समय सार कहा, जिसको अलग अलग गाथाओं में आचार्य देव ने अलग अलग नाम से संबोधन किया। अगर आप आत्मा के 1008 नाम निकालना चाहें तो नियम सार और नियम सार के ऊपर गुरुदेव ने प्रवचन किए, उस पर आपको आत्मा के 1008 नाम मिल जाएंगे। मैंने आचार्य गुरुदेव ने बोला एक जगह कि अरे आचार्य देव को और टीकाकार मुनिराज को आत्मा की महिमा करने के लिए शब्द कम पड़ते हैं, और हम लोग कितने गजब के हैं कि उनको शब्द कम पड़ते हैं और हमें आत्मा की महिमा नहीं आती। ये जो पन्नूर धाम का उपक्रम है ना, ये शिकायत दूर होनी चाहिए। आत्मा की भरचक महिमा यहां से अपन लेकर के जाएं, यही इसीलिए अपन यहां आए सब, क्योंकि महिमा अगर आएगी आगे का काम अपने आप है। महिमा नहीं आती। यहां पे क्या कह रहे हैं? कैसा स्वभाव, कैसा वज्र बिंब स्वभाव है कि जिसमें निगोद के एक श्वास में 18 बार जन्म मरने की घटना घटी, लेकिन आचार्य कहते कि मेरे धरातल पर उस घटना का स्पर्श भी नहीं हुआ। नरक में एक घटनाओं को याद करो ना कि नरक में तिल तिल करे देह के खंड, मतलब शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, आत्मा का क्या हुआ? सारी परिस्थितियों को विचार करो कि इन सारी परिस्थितियों के बीच, इन सारे झंझावातों के बीच अगर अचल सुमेरु सा वो खड़ा रहा तो वो स्वभाव कैसा होगा? मिथ्यात्व की घनघोर हवाएं चली और आचार्य भगवान को कहना पड़ा कि इससे ज्यादा मिथ्यात्व का परिणाम हो नहीं सकता, इससे ज्यादा हो जाए तो जीव को जड़ होना पड़े, अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान का उघार। और उसी समय वहां भी अगर आप देखोगे तो मेरा परमात्मा तत्व पूरा का पूरा था। बोलो हुआ क्या? ये परिस्थितियां बदल गई, ये गतियां बदल गई, ये परिणाम बदल गए, ये संयोग बदल गए, लेकिन नहीं बदला तो कौन नहीं बदला कि मैं नहीं बदला। उस मैं पना आना, इसका नाम धर्म है। बात आई समझ में? तो यहां पे क्या कह रहे हैं? देखो कितनी गजब की बात, क्या कह रहे हैं? सहज परम पारिणामिक भाव की विवक्षा का आश्रय करने वाले, माने उसको विषय बनाने, विवक्षा का आश्रय मतलब क्या कि उस सहज परम पारणामिक भाव को जो नए विषय बनाता है, जिस नए का विषय सहज परम पारणामिक भाव है, तो ऐसे सहज निश्चय नए की अपेक्षा से, सहज निश्चय नए कहो, परम शुद्ध निश्चय नए कहो, नयाधिराज कहो। पंचाध्यायी ने परम शुद्ध निश्चय नय के लिए नयाधिराज शब्द का प्रयोग किया है। आ गया? है ना। हाँ, तो ऐसे उस निश्चय ने की अपेक्षा से ध्यान देना, नित्य और अनित्य निगोद से लेकर, ये नित्य निगोद और अनित्य निगोद क्या है? कि नित्य निगोद वो कि जहां से आज तक जीव निकला नहीं, नित्य निगोद, निगोद 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 अनादिकाल से आज तक निकला नहीं। और देखो ऐसे अनंत जीव हैं जो कभी निकलेंगे नहीं। अब आप सोचो अपन कितने भाग्यशाली। और अनित्य निगोद माने क्या? ये नित्य निगोद से निकल करके त्रस पर्याय में आया, लेकिन फिर भी आत्म स्वभाव की विराधना नहीं छोड़ी। और आत्म स्वभाव की विराधना का सीधा फल निगोद है। आगे बात समझे तो वो जो दूसरी बार फिर निगोद में अवस्था हुई ना, उसे बोलते हैं अनित्य निगोद। और यहां से लेकर, यानी नित्य अनित्य निगोद से लेकर फिर क्या कहा, सिद्ध क्षेत्र पर्यंत। सिद्ध क्षेत्र, यहां सिद्ध भगवान की सिद्ध दशा को लिया कि सिद्ध क्षेत्र पर्यंत विद्यमान जीवों का, कि सिद्ध सिद्धालय में कौन विराजमान, कि अनंत सिद्ध परमात्मा सिद्धालय में विराजमान है। अनंत निगोद या निगोद में विराजमान है और अनंत सिद्ध परमात्मा सिद्धालय में विराजमान है। और इससे बीच के सारे जीव ले लेना। आगे सब आ गया, पूरा पूरे विश्व के जीवों का खाका खींच दिया। नित्य निगोद से लेकर सिद्ध क्षेत्र पर्यंत विद्यमान जीवों में कौन सा जीव ऐसा रहा जो शेष रह गया? बताओ जरा, कौन सा जीव शेष रहा? कि विश्व का सारा जीव समुदाय आ गया। तो वो यहां पर आचार्य भगवान कहते हैं कि नित्य निगोद से लेकर, नित्य अनित्य निगोद से लेकर सिद्ध क्षेत्र पर्यंत विद्यमान जीवों का निज स्वरूप से अच्युत पना कहा गया है। निज स्वरूप क्या है? कि निज स्वरूप बताया ना अभी, सहज परम पारणामिक भाव, ये मेरा निज स्वरूप है। कैसा है मेरा निज स्वरूप? क्या है कि सहज परम पारणामिक भाव, वो मेरा निज स्वरूप है। औदैहिक भाव, औपशमिक भाव, क्षायोपशमिक भाव, अरे क्षायिक भाव, ये कर्म सापेक्ष हैं। नियम सार इन चार भावों को आवरण संयुक्त भाव कहता है। क्या गजब बात है। आवरण संयुक्त का मतलब क्या? कि जिसमें कर्म के सद्भाव की अपेक्षा आवे वो तो ठीक, लेकिन जिसमें कर्म के अभाव की भी अपेक्षा आवे, माने जिसमें किसी की भी अपेक्षा आवे, चाहे वो सद्भाव की अपेक्षा और चाहे वो अभाव की अपेक्षा, वो भी उपाधि है कि नहीं? नहीं साहब, सद्भाव तो उपाधि समझ में आती है, अभाव उपाधि कैसे हो सकती है? होती है। कैसे होती है? कि आपको पुण्य का उदय है तो अनेक प्रकार के पद मिले हुए हैं जो कि अपद हैं। समय सार के 138 कलश के हिसाब से वो अपद हैं, लेकिन वो पद मिले हुए हैं पुण्य के उदय से। और पाप का उदय आया, जीवन भर पदों में रहे, लेटर पेड छपती है तो उसमें 10-5 पद अपने लिखे रहते हैं, वहां का अध्यक्ष, वहां का मंत्री, वहां का मार्गदर्शक, वहां का ये, वहां का ये। अभी पाप का उदय आया तो सारे पद छिन गए। अब इनने कहा कि भैया लेटर पेड तो छपानी है, लेकिन आज तक मेरी लेटर पेड तो खाली गई नहीं, अब अकेले नाम के साथ लेटर पेड कैसे छपाऊं? मैंने कहा भाई घबराने की कोई बात नहीं है, आपकी लेटर पेड में अभी भी वही सब पद रहेंगे। क्या बात करते हो, एक पद तो मेरा बचा नहीं, तुम कह रहे हो सब पद रहेंगे। मैंने कहा रहेंगे, कैसे रहेंगे? मैंने कहा लिखो भूतपूर्व। आगे बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बोलो वो उपाधि है कि नहीं? अभी अभी लगा कि नहीं लगा आपको कोई उपाधि है? कर्म का अभाव के ये भी उपाधि है। ये सब कैसे हुए? ये सब सापेक्ष भाव है। कर्म के सद्भाव और अभाव की उपाधि आती है। औपाधिक भाव है, नैमित्तिक भाव है। नैमित्तिक भाव में कोई अकेला विकारी नहीं है, क्षयिक भाव, वो सब निमित्त की जिसमें अपेक्षा आई। और परम पारणामिक भाव कैसा है भैया? कि जिसमें किसी निमित्त की अपेक्षा नहीं आती। वो कैसा है? कि वो निरावरण है। समझ, एक उदाहरण से खाली बात करता हूं कि निरावरण कैसा? कि क्षयिक भाव भी निरावरण और परम पारणामिक भाव भी निरावरण, दोनों के निरावरण पने में क्या अंतर है? श्यामलाल जी साहब बोलो, दोनों में क्या अंतर है? कि एक आवरण का अभाव होकर के निरावरण हुआ और एक में आवरण ही नहीं है इसलिए निरावरण है। यह अंतर है। अपने 24 तीर्थंकरों में कितने तीर्थंकर ब्रह्मचारी हैं? सोच समझ के उत्तर देना, पोन्नू रेल में बैठे हो। हाँ? और बाल ब्रह्मचारी कितने हैं? आ गया समझ में? आ गया कि अरे ब्रह्मचारी तो सभी होते हैं, क्योंकि मुनिराज ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी होते हैं, लेकिन बाल ब्रह्मचारी है ना कि ये जो परम पारणामिक भाव है ना, कि ये परम पारणामिक भाव बाल ब्रह्मचारी भाव है। और छायिक भाव है कि ये छायिक भाव, कि ये ब्रह्मचारी भाव हो सकता है लेकिन बाल ब्रह्मचारी नहीं है। माने इसने विकार का अभाव करके ये निर्विकार हुआ है, अपूर्णता का अभाव करके पूर्ण हुआ है, आवरण का अभाव करके निरावरण हुआ है। मैं किसी का अभाव करके होने वाला भाव नहीं हूं, मैं हूं रूप भाव हूं। मैं होने वाला नहीं, मैं हूं रूप हूं। हमें होने वाले की महिमा आती है और हूं की महिमा भूल जाते हैं, इसीलिए संसार में चक्कर खाते हैं। वो यहां पे आचार्य भगवान ने कहा कि भाई वो नित्य और अनित्य निगोद से लेकर सिद्ध क्षेत्र पर्यंत विद्यमान जीवों का निज स्वरूप से अच्युतपना कहा गया है। क्या मतलब? कि निगोद की दशा में भी पारणामिक भाव ने अपना पारणामिक पना छोड़ा नहीं, और सिद्ध की दशा हो क्षयिक भाव, कि सिद्ध की दशा के काल में भी पारणामिक भाव ही रहा। इसी को पूज्य गुरुदेव श्री कहते थे परम पारणामिक भाव एक समय की पर्याय में नहीं आता। आगे बात समझ, इसलिए वो बात कही कि एक समय की पर्याय में नहीं आता। तो हम कहें कि औदैहिक भाव में नहीं आओ, हम आपको बुलाना भी नहीं चाहते, लेकिन हे परम पारणामिक भाव, आप क्षयिक भाव में तो पधारो। तो परम पारणामिक भाव की ओर से उत्तर मिलता है कि जरा क्षयिक भाव से पूछो, उसका बायोडाटा लेकर के आओ। और जब क्षयिक भाव ने अपना बायोडाटा बना करके लिखा तो उसमें लिखा था आई, माने मैं कौन हूं, तो उसने लिखा मैं परम पारणामिक भाव। क्षयिक भाव का स्वर कभी ये नहीं होता कि मैं क्षयिक भाव हूं। समझ आ गया? सम्यक दर्शन का स्वर कभी ये नहीं होता कि मैं सम्यक दर्शन हूं। सम्यक ज्ञान का स्वर कभी ये नहीं होता कि मैं सम्यक ज्ञान हूं। सम्यक चारित्र का स्वर ये नहीं होता कि मैं सम्यक चारित्र हूं। अरे एक एक समय का निर्मल परिणाम अपने को पारणामिक भाव रूप स्वीकार करता है, तब उस परिणाम को निर्मल परिणाम संज्ञा मिलती है। सोचो जरा, क्यों आवे वो एक समय के परिणाम में? क्यों आवे? जरूरत क्या पड़ी? कुछ भी नया काम करने की आवश्यकता किसको पड़ती है? अच्छा बताओ, मैंने कुछ करना है, मैंने आपको अभी इस भाव में आना है, अभी सम्यक दर्शन करना है, अभी मुक्ति करना है। इसका मतलब क्या? सम्यक दर्शन करना है, इसका मतलब तुमने अभी तत्व के पूर्णता के स्वरूप को समझा ही नहीं है। क्यों सम्यक दर्शन करना है? क्योंकि हमें लगता है कि सम्यक दर्शन के बिना मैं अधूरा हूं। सम्यक दर्शन के बिना तुम अधूरे हो। सोचो जरा, अरे तुम्हारी पूर्णता के दर्शन करने का नाम सम्यक दर्शन है। तुम वो तत्व हो कि जिसकी पूर्णता के दर्शन करने का नाम मैं परिपूर्ण शुद्ध चैतन्य चिन्मात्र सत्ता हूं, ऐसा जिस परिणाम में स्वीकार आता है उस परिणाम का नाम सम्यक दर्शन होता है। मुक्ति होगी तो मैं पूरा हो जाऊंगा, कि तेरी कभी मुक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तूने मुक्ति से अपने को पूरा माना है। मैं पूर्ण हूं, तेरा स्वर ये क्यों नहीं उठता है कि मैं वर्तमान में पूर्ण हूं, मैं वर्तमान में परमात्मा हूं, है ना। मुक्त स्वरूप को मुक्ति की भी आवश्यकता नहीं है। मैं वो हूं कि जिसे मुक्ति की भी आवश्यकता नहीं है। मुक्ति को मेरी आवश्यकता हो तो मेरा वरण करे। इतना जोर क्यों नहीं आता स्वभाव का, इतना जोर। अच्छा, वरण मुक्ति करती है कि द्रव्य स्वभाव मुक्ति का वरण करता है? जरा बताओ, सोचो जरा, सोचो तो सही। मुक्ति गले में, मुक्ति चैतन्य के गले में वरमाला डालती है, इसमें मुक्ति का गौरव बढ़ता है। आत्मा को हम मुक्ति के गले में वरमाला डालने की बात करें, हम आत्मा के गौरव को खंडित करते हैं। हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि आत्मा में अभी कुछ कमी है और ये मुक्ति की पर्याय आकर के आत्मा की कमी को पूरा करेगी। कि कभी मुक्ति की बात तो छोड़ो, सम्यक दर्शन नहीं होगा, है ना। ऐसा जो तत्व है वो अच्युत है। आचार्य भगवान कहां से देख रहे हैं? नित्य निगोद के जीव में भी उन्हें उनका पारणामिक भाव से अच्युत दिख रहा है। यह है नजर ज्ञानी की। पर्याय बुद्धि का परचक्के उड़ा के रख दिए। यह नहीं है कि नित्य निगोद और सिद्ध, देखो नित्य निगोद और नित्य और अनित्य निगोद से लेकर सिद्ध क्षेत्र पर्यंत ये शब्द लिख करके पर्याय का ज्ञान भी कराया कि पर्याय में क्या परिस्थिति चल रही है और जिस समय ये परिस्थिति है। देखो, पर्याय के ज्ञान का निषेध जिनवाणी नहीं करती है, जिनवाणी करती है पर्याय दृष्टि का निषेध। हम क्या करते कि या तो हम पर्याय दृष्टि के निषेध के नाम पर पर्याय का निषेध करना शुरू कर देते हैं, और या पर्याय के ज्ञान के नाम पर पर्याय को ही द्रव्य स्वभाव में मिला करके अनुभव करने का प्रयास करते हैं। दृष्टि के विषय में पर्याय को शामिल करने का हमारा जो प्रमाणाभास के आग्रह है, प्रमाण नहीं प्रमाणाभास के जो आग्रह हैं, कि वो हमें चैन नहीं लेने देते। अरे है तो सही ना, पर्याय भी है तो सही, लेकिन है उसका इतनी ही स्वीकृति आवश्यक है। वो हो गया, बात पूरी हो गई। अब आगे बढ़ो। नक्की कर लिया ना, एक बार नक्की कर लिया ना कि वस्तु द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है, ये नक्की कर लिया ना। अब बार बार उसी बात को रटते रहोगे? अब ये द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप वस्तु है, ये नक्की करते ही मेरा प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा? वस्तु के स्वभाव की सिद्धि प्रयोजन की सिद्धि के लिए की जाती है, और वस्तु स्वभाव के सिद्धि के साथ यदि प्रयोजन की सिद्धि नहीं होवे तो उस वस्तु स्वभाव की सिद्धि का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि 11 अंग 9 पूर्व पढ़ने वाले ने वस्तु स्वभाव की सिद्धि में कोई कमी नहीं रखी होगी, वस्तु का जर्रा जर्रा जानता होगा वो, लेकिन क्या नहीं हुई कि प्रयोजन की सिद्धि पर नजर नहीं गई। आगे बात समझ में? तो 11 अंग 9 पूर्व का पाठी होने पर भी वो कैसा रहा? कोरा का कोरा रहा, मिथ्या दृष्टि का मिथ्या दृष्टि रहा। वो यहां पर आचार्य भगवान ने कहा कि अच्युतपना कहा गया है। बराबर, कितनी गजब की बात है ये। ऐसी तो बहुत सारी गाथाएं हैं। इसमें क्या है कि पुद्गल की चर्चा करी, और पुद्गल की चर्चा, आचार्य भगवान पुद्गल की चर्चा कर रहे हैं, अजीव अधिकार है ना, तो अजीव अधिकार में पुद्गल की चर्चा करी, पुद्गल के भेद प्रभेद बनाए बताए। टीकाकार ने बड़ी उससे उसका वर्णन किया, थोड़ा सा हल्का सा वर्णन किया, और फिर कहा कि पुद्गल के इन भेदों से मुझे क्या। अरे वाह, तो फिर क्या कर क्या क्या है आपको क्या है कि मैं तो अपने आत्मा में जाता हूं। यानी कहने का अर्थ क्या कि उन्होंने पुद्गल के वर्णन में अरुचि दिखाई। क्यों दिखाई अरुचि? कि भाई ये पुद्गल की चर्चा तो आत्मज्ञान में विघ्न कारक है, तो फिर करी क्यों? कि अगर तुम पुद्गल को अपना नहीं मानते तो हमें पुद्गल की चर्चा करने की जरूरत ही नहीं थी। अपना मानते हो ना, तो अपना मानते हो इसलिए ये बताने के लिए चर्चा की कि ये पुद्गल है, ये तुम नहीं हो। ये पर्याय की चर्चा क्यों की? कि अगर तुम पर्याय दृष्टि नहीं होते, पर्याय विमूढ़ नहीं होते, पज्जय मूढ़ाई पर समया नहीं होते, तो आचार्य कहते हम पर्याय की चर्चा भी क्यों करते? पर्याय की चर्चा करके हम ये बताना चाहते हैं कि आने जाने वाले परिणाम ये तुम्हारा स्वरूप नहीं हो सकता। इन बदलते परिणामों पर भरोसा करोगे तो तुम्हारा भरोसा प्रति क्षण टूटेगा। बदलते परिणामों पर यदि तुमने अपनापन स्थापित किया, यदि तुमने मैं पना स्थापित किया, तो निगोदिया से ज्यादा दुखी हो जाओगे। क्योंकि निगोदिया को तो कम से कम एक श्वास में 18 बार जन्मने और मरने का दुख होता है, तुम्हें एक सेकंड में असंख्यात बार परिणाम बदलेगा ना, और उसमें मैं पना किया। आचार्य भगवान कहते हैं इसलिए हम ये सब वर्णन करते हैं। क्या है बात? कहां से आचार्य देव की बात आई? क्या अद्भुत चीज वो अपने को देना चाहते हैं, है ना? बहुत गजब की चर्चा है। देखो ये बात मैंने क्यों उठाई, एक गुरुदेव श्री के प्रवचन में एक बहुत अच्छी लाइन आई थी आज सुबह। कारण कार्य नियम निकाल लीजिए अपना। अब कारण कार्य नियम में पेज नंबर 300 चल रहा था, प्रकरण आया था, तो गुरुदेव श्री ने शुरुआत में यह बात कही थी कि 14 भेद वाले मार्गना स्थान, आहा, ज्ञान की पर्याय के भेद, गति के भेद, दर्शन के भेद, समकित के भेद, ऐसे जो भेद, माने ये भेद भेद में है, भेद भेद में भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन किसमें नहीं है कि वे मेरे परम स्वभाव में वे नहीं है। आ गया धर्मी की दृष्टि। अब यहां देखो, धर्मी की दृष्टि में त्रिकाली परम स्वभाव भाव लेने पर ये भेद उसमें है नहीं। क्या कहा? धर्मी की दृष्टि में त्रिकाली भाव लिया उसने, तो त्रिकाली भाव लिया ना, तो त्रिकाली भाव दृष्टि में लेने पर यह भेद उसमें नहीं है। क्यों नहीं है? कि नो दृष्टवा, दिखाई नहीं देते, तो नहीं दिखाई देते, तो ये हमारी दृष्टि में वो भेद उसमें वो नहीं है। सब जगह एक ही शब्द का प्रयोग किया। 39 बोलों से या 29 बोलों से 50 से 55 नंबर की गाथा में, जहां ए स्पर्श रस गंध वर्ण से लेकर गुणस्थान पर्यंत तक के भावों को भिन्नता कराई, वहां पर आचार्य भगवान ने क्या शब्द का प्रयोग किया? भेद ज्ञानियों को इससे भिन्न आत्मा उपलब्धमान है, अनुभूति में ये दिखाई नहीं देती है ना। अरे अनुभूति में तो अनुभूति दिखाई नहीं देती, दिखाई देती? अनुभूति में अनुभूति दिखाई दे तो विकल्प आ जाएगा, तुरंत जाओगे बाहर नीचे। ये लिखा है, गुरुदेव ने लिया उसमें, देखो आगे आएगा भी। 14 भेद ये नहीं है तथा 14 जीव स्थान के भेद। ये जीव स्थान कौन कौन से होते हैं? एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री, संगी असंगी, है ना, बादर सूक्ष्म होता है कि नहीं, कि परम स्वभाव भाव वस्तु ज्ञान आनंद का स्वभाव परम जो त्रिकाल, ऐसे अभेद स्वभाव में जीव के 14 भेद नहीं है, किंतु अभेद स्वभाव है, उसमें भेद नहीं है। आहा, तथा 14 गुणस्थान नहीं है। कौन सी गाथा आई कल, याद सुबह याद कराया था, नहीं अप्रमत्त प्रमत्त नहीं, जो एक ज्ञायक भाव है। नवी हो दी अपमत्तो न पमत्तो जान गोद जो भावो। 14 गुणस्थान कि वो 14 गुणस्थान नहीं है। आ गया कि नहीं आ गया? 14 प्रकार के गुणस्थान नहीं है। उसमें छठी गाथा आई। छठी गाथा में आचार्य भगवान ने वहां पे लिखा, जिस दशा में स्वयं वर्त रहे हैं, परमत और परमत की दशा में झूलते हैं ना। बीतरागी संत कौन सी दशा में झूलते हैं? कि छठे सातवें गुणस्थान की प्रमत अप्रमत दशा में झूलते हैं। जिस दशा में झूल रहे हैं उसी दशा का निषेध कर रहे हैं। ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि कभी प्रमत्त है और कभी अप्रमत्त है। जिस समय प्रमत्त है उस समय अप्रमत्त नहीं है, और जिस समय अप्रमत्त है उस समय प्रमत्त नहीं है। लेकिन ये बताओ कि मैं किस समय नहीं हूं। आगे बात समझ, बहुत सरल न्याय है भैया। जैन दर्शन को समझना बहुत कठिन नहीं है। कि साहब मैं मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि नहीं। क्यों? क्योंकि जिस समय मिथ्या दृष्टि अभी अपने को सम्यक दर्शन नहीं है, तो अभी अपन है कि नहीं। अच्छा, और जब सम्यक दर्शन हो जाएगा उस समय मिथ्या दर्शन नहीं रहेगा। सम्यक दर्शन के काल में मिथ्या दर्शन नहीं रहेगा, और मिथ्या दर्शन के काल में सम्यक दर्शन नहीं रहेगा। लेकिन मैं किस समय नहीं रहूंगा? राग के काल में वीतरागता नहीं होगी, वीतरागता के काल में राग नहीं होगा। लेकिन राग और वीतरागता के काल में मैं किस समय नहीं होऊंगा? अब बोलो, अब जब मैं वीतरागता के काल में नहीं, अभी वीतरागता नहीं है और मैं हूं, राग नहीं रहेगा और मैं रहूंगा, क्या इससे इस बात की सिद्धि नहीं होती कि ये मैं नहीं हूं? कितनी सीधी सी बात है, ज्यादा कठिन कहाँ है। बाबूजी बोलते थे एक बात कि साहब बहुत कठिन बात है। युगल जी साहब बोलते थे बहुत कठिन बात है। वो कहते कठिनता कुछ नहीं है, तूने कठिनता की कल्पना कर ली ना, यही कठिन है। अच्छा बताओ ये किसकी बात चल रही है? मेरी बात चल रही है। तो कोई अपना परिचय देवे तो अपना परिचय अपने लिए कठिन होता है। मुझे मेरी बात समझ में नहीं आवे, मुझे मेरी बात कठिन लगे। अरे आचार्य कहते हैं तू आत्मा के गौरव को खंडित करता है। प्रभु, अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान लेने की सामर्थ्य रखने वाला आत्मा ये कहे कि मुझे समझ में नहीं आता, मुझे ये बात कठिन लगती है, तो आचार्य कहते हैं हमें ये समझ में नहीं आता कि तुम्हें ये समझ में क्यों नहीं आता। क्या कैसी योग्यता है आत्मा की, देखो तो जरा कैसे कैसे जीव आत्मा की आराधना करके पहुंच गए इस पार, है ना। यहां देखो, यहां क्या कह रहे हैं कि परम स्वभाव त्रिकाल, ऐसा अभेद स्वभाव में जीव के 14 भेद नहीं हैं। क्या मतलब? 14 गुणस्थान नहीं है। गुणस्थान जो पर्याय में सब भेद हैं। तो कितनी अच्छी तरह अस्थि सिद्ध की कि पर्याय में ये सब भेद हैं। मैंने अपना, बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं ना कि जैसे वो आया ना 9वें नंबर के कलश में आया, 9वें नंबर के कलश में आचार्य देव ने आत्मा की अनुभूति के समय की बात की। उन्होंने क्या कहा कि नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती, प्रमाण अस्त हो जाता है, निक्षेपों का समूह कहां चला जाता है हम नहीं जानते। अरे अधिक क्या कहें, अधिक क्या कहें, द्वैत ही भाषित नहीं होता। तो अन्य मति ने खड़ा प्रश्न खड़ा किया। आ गए ना अकल ठिकाने। हम पहले से कह रहे थे भाई साहब आत्मा अद्वैत है, आत्मा अद्वैत है, आत्मा अद्वैत है। आखिर को तो तुम्हें भी हमारे अद्वैत पर ही आना पड़ा ना। कहते भाई साहब हमारा अद्वैत और तुम्हारा अद्वैत, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। हमारे यहाँ द्वैतपना होने का निषेध नहीं है, अनुभूति में द्वैतपना दिखने का निषेध है। क्या कहा, क्या कहा? द्वैतपना द्रव्य नहीं है, गुण नहीं है, पर्याय नहीं है, प्रमाण नहीं है, नए नहीं है, निक्षेप नहीं है, ये नहीं है हमारे यहाँ। क्या है? अनुभूति में द्वैत भाषित नहीं होता। और तुम्हारे यहां क्या है कि तुम्हारे यहां द्वैत है ही नहीं, भाषित होने की बात नहीं, भाषित नहीं होता ये बात नहीं, तुम्हारे यहां है ही नहीं। तो है ही नहीं तो अनुभव करने वाला और अनुभव, अरे ये तो द्वैत हो गया, द्वैत हो गया, भगो भगो। हमारे अद्वैत में और तुम्हारे अद्वैत में जमीन आसमान का अंतर है। दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं है, बराबर है, दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं है, लेकिन दृष्टि खुद क्या है। आप देखो कितना जबरदस्त तरीके से निषेध आया ना, ये चार भाव, ये 14 गुणस्थान, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, लेकिन ये मैं नहीं, ये निर्णय करने वाला कौन है? बोलो, ये निर्णय परिणाम करता है, ये निर्णय द्रव्य स्वभाव नहीं करता। तो फिर परिणाम द्रव्य स्वभाव के साथ ऐसा एकाकार हो जाता है कि वहां पर परिणाम की गोत्र बदल जाती है। ख्याल में आया? अभी तुम सम्यक दर्शन से पूछो तमे कौन छो, आया? किसी परिणाम का उत्तर परिणाम की ओर से नहीं आएगा, उसका नाम निर्मल परिणाम है, जिसके लिए बाबूजी के वो शब्द याद करो। और तो और सम्यक दर्शन के घर में स्वयं सम्यक दर्शन के लेने के लिए कोई जगह खाली नहीं है, उसने अपना कोना कोना ध्रुव के लिए खाली कर दिया है ना। एक और बात की उन्होंने लिखा बहुत अच्छा, सम्यक दर्शन की दुनिया में सम्यक दर्शन संज्ञा नाम की कोई चीज नहीं है, इसका नाम है दृष्टि का विषय, इसका नाम है दृष्टि का विषय, ज्ञान का विषय, अनुभूति का विषय, सब एक ही होता है। ये तो चारित्र की खुमारी से आचार्य भगवान बोल रहे हैं, ये मैं नहीं हूं। प्रमत्त और अप्रमत्त की इतनी पवित्र दशा में झूलते हुए भी जो ये कहेगा मैं नहीं हूं, शुद्धोपयोग की दशा में झूलते हुए भी जो ये कहेगा ये शुद्धोपयोग की दशा में नहीं हूं, मैं कौन हूं? मैं तो वो हूं कि जिसकी और सन्मुखता होने पर पर्याय में शुद्धोपयोग होता है। और हम लोगों की आदत क्या है, हम अपने मलिन से मलिन, गंदे से गंदे परिणाम को भी दिखाना चाहते हैं। तुमने पता नहीं मैं क्या चीज हूं, अच्छा पता भाई क्या चीज है, तुमने मेरा गुस्सा देखा नहीं, अरे तेरा गुस्सा ही देखने के लिए बचे हैं हम, तेरा गुस्सा ही देखेंगे अब हम, है ना। हम अपने मलिन परिणामों पर भी गौरव करते हैं। और आचार्य ज्ञानी धर्मात्मा कितनी ही पवित्र परिणाम प्रकट हो जाए तो भी कहते द्रव्य और पर्याय की कोटि एक नहीं है। वचनामत में एक बोल है, द्रव्य की कोटि सदैव उच्च ही है ना। वो यहां पे कह रहे हैं, ये 42 की बात करी, आगे इसमें एक बहुत अच्छी बात आई थी गुरुदेव श्री की में, देखो 2 मिनट में पूरा कर दें। ये नीचे से जो दूसरा पैराग्राफ है ना, नीचे से उसमें एक बात आई है कि ये सब भेद तो व्यवहार नय का विषय है। देखो आया कि परमार्थ जिसका स्वभाव है ऐसे मुझे नहीं है। तो इसका गुरुदेव ने कहा कि ये सब भेद तो देखो, अभेद दृष्टि में वे भेद नहीं है। एक बात, अभेद दृष्टि में वे भेद नहीं है। वे सब भेद तो व्यवहार नय का विषय है, लेकिन व्यवहार नय का विषय किसको? कि जिसको अभेद दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देते, ऐसी अभेद दृष्टि जहां प्रकट हुई, ऐसे ज्ञानी को भेद व्यवहार नय के विषय हैं। और हम लोग अरे व्यवहार नय का विषय तो है कि नहीं, पर्याय व्यवहार नय का विषय तो है कि नहीं, हम व्यवहार नय का विषय बोलते हैं और उसे को परमार्थ मानते हैं। बात समझ आ गई है? उतना जानने योग्य है, आदरने योग्य वह नहीं है। परम स्वभाव भाव वाला तत्व, परम स्वभाव भाव वाला तत्व, परम भाव त्रिकाली ज्ञायक भाव, ऐसा स्वभाव वाला तत्व आ गया जिसका स्वभाव परम भाव है। कितनी बार गुरुदेव ने रिपीट किया एक बात को, आ गया? उसमें भेद नहीं है। आ गया, उसमें भेद नहीं है। ओ हो यह सम्यक दर्शन का विषय है। कौन सम्यक दर्शन का विषय है? कि जिसमें पर्याय का भेद नहीं है, जिसमें गुणस्थान, मार्गना स्थान, जीव स्थान, अरे 5 भाव कोई भेद जिसमें नहीं है, ऐसा अभेद त्रिकाली परम भाव, वो सम्यक दर्शन का विषय है। सूक्ष्म पड़े परंतु गुरुदेव क्या कह रहे हैं, मार्ग तो यह है ना। जब गुरुदेव से बोला जाता था कि साहब कुछ सरल करो, तो कहे क्या सरल करें, पंचम काल में, यानी पंचम काल का जीव है, बहुत मुश्किल से थोड़ा सरल करके समझा कि भाई काल क्षेत्र के आधार पर धर्म की नियम बदलते नहीं है। अरे धर्म के नहीं, कर्म के नियम भी नहीं बदलते हैं ना। गुरुदेव से उसके लिए उदाहरण देते थे कि चौथे काल में हलवा आटे में, घी में आटा सेका जाता था, फिर उसमें चीनी और गुड़ का पानी डाला जाता था, क्योंकि उस समय 1 रुपए में बहुत सारा घी आता था। अभी घी महंगा हो गया, तो अभी क्या करे कि कुछ नहीं, सेकना ही तो है, तो आटा को पानी में सेक लो, बाद में घी डाल देंगे और चीनी का पानी डाल देंगे। चीजें तो हमने तीनों डाली ना, है ना। तो कहे साहब, गुरुदेव बोलते थे, बोलो आटा का उसका हलवा बनेगा कि नहीं? क्या हलवा तो नहीं बनेगा, लई तो बनेगी। तो गुरुदेव ने कहा लई बनाने की भी अलग विधि होती है, इस विधि से लई भी नहीं बनेगी। समझ में आ गया? नियम नहीं बदलते, वस्तु स्वरूप नहीं बदलता। वस्तु स्वरूप को समझने के लिए हमें ही दृढ़ पुरुषार्थ करना होगा, समझने का प्रयत्न करना होगा। और आचार्य भगवान ने जो रहस्य हमको बताया, गुरुदेव श्री ने जो रहस्य हमको बताया, उसको समझकर अपने जीवन में उसको परिणमाना होगा। यही इस शिविर का उद्देश्य है, शेष चर्चा का। कल का कार्यक्रम है, कल सुबह